खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर रविंद्र राय बने झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर रविंद्र राय। हाल ही में डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के झामुमो में जाने की अफवाहें फैली थी, जिसे उन्होंने खंडित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बीजेपी में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि कोडरमा से बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, और एक और नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। रविंद्र राय के जिम में जाने की अफवाह भी उड़ रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें ये अहम जिम्मेदारी बीजेपी के भीतर ही दी गई। रविंद्र राय जी को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि बाबूलाल जी स्वयं बहुत बिजी होने वाले हैं चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग में, और अपने भी चुनाव के दौरान अपने भी चुनाव में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। रविंद्र राय जी एक प्रभावी नेता है, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये एक रूटीन मैं नियुक्ति के रूप में देखता हूँ। एक चुस्त दुरुस्त पार्टी में नई नियुक्त होती रहती है और मुझे नहीं लगता है कि इसका नाराजगी से या डैमेज कंट्रोल से कोई विशेष सरोकार है। स्वाभाविक है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं, तो हमारी अपनी व्यस्तता है, तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया, कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल कर अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो आपने सुना अलग अलग बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। उनका कहना है कि किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए हमारे पुराने साथी को ये नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। रविंद्र राय के जिम में जाने की अफवाह उड़ रही थी, कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है, विपक्षी तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी के भीतर की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन्हें पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां दी गई थी, और इस बार एक बहुत ही बड़ी और अहम जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र राय को दी गई है। कोडरमा से बीजेपी के सांसद भी रविंद्र राय रह चुके हैं, रविंद्र कुमार राय इनका पूरा नाम है, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, और इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कई लोगों ने टिकट ना मिलने से नाराजगी जाहिर की, जिसके तहत उन्होंने अहम फैसला लिया और दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इसी बीच खबर ये आ रही थी कि रविंद्र कुमार राय भी पार्टी के भीतर नाराज चल रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या वाकई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और इसी सवाल का जवाब देंगे झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, ये कहा जा रहा है, माना ये जा रहा है कि रविंद्र राय को ये जिम्मेदारी दी गई क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो नाराज चल रहे थे और इसीलिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए, रविंद्र कुमार राय जो है पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनकी सीट पर अन्नपूर्णा देवी को जो है चुनाव लड़ाया गया और अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत कर आई। दोबारा जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो फिर चर्चा होने लगी कि रविंद्र कुमार राय को वो भी जो है संभावित है कोडरमा से चुनाव लड़ सकते हैं जो उनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। और जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो विधानसभा चुनाव में भी उनकी चर्चा चल रही थी कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव का भी टिकट नहीं मिला। तो एक नाराजगी खुलकर सामने आई थी और कुछ अफवाहें भी उड़ी थी कि रविंद्र कुमार राय ने जो है जो सीएम हेमंत सोरेन है, जेएमएम के नेता है, उनसे मुलाकात की है, हालांकि उन्होंने खंडन किया था। तो अब जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, नाराजगी पाटने की कोशिश की गई है, और पहले रविंद्र कुमार राय बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जब 2014 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त जो है रविंद्र कुमार राय ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे झारखंड के, तो उनकी नाराजगी को पाटने की कोशिश की है पार्टी ने, और उसी कवायद में इन्हें
जो है कार्यकारी अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रांची से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। सबकी बड़ी खबर आपको बताएं, इरफान अंसारी के बयान को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचा हुआ है। किशोरनाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, इमरान अंसारी निर्वाचन आयोग पहुंच चुके हैं। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने यह ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को सफाई दी है, कहा कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर यह बयान नहीं दिया गया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। जोड़ करके लोगों को ला करके देते हैं, रिजेक्टेड लोगों को टिकट, उस पर उस संदर्भ पर बात की है। अब उसको क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अच्छे छवि के नेता इरफान अंसारी, जो जामताड़ा का जन जन के लोग उनको प्यार करते हैं, मानते हैं और लगातार इस चीज को जिताते आ रहे हैं, वो हार को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार का कृत्य किया है जो डाइवर्ट करना चाहती है। अंसारी जी कुछ बोलते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर टूट पड़ती है। अभी जब वो लोकसभा के चुनाव में वहां से 60,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो शिकस्त खाए तो चुनाव। और झारखंड विधानसभा चुनाव में संथाल की राजनीति चरम पर है। जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी के दिए गए बयान को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा से सीता सोरेन की बेटियों ने खास बातचीत की है। संथाल के रास्ते से ही आती है, लिहाजा संथाल की राजनीति का एक अपना अंदाज होता है, मिजाज होता है। लेकिन ताजा मामले में इरफान अंसारी के एक बयान ने वास्तव में विवाद खड़ा कर दिया है। वो बयान है सीता सोरेन के खिलाफ एक दिया गया बड़ा बयान। हमारे सामने इस समय सीता सोरेन की दो बेटियां हैं, विजयश्री और राजश्री। हम सीधे उनसे बात करें कि वास्तव में इस तरह के बयान राजनीति में कितना आहत करते हैं परिवार को, और उनसे जानेंगे। वो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही बोली है और एक बेटी होने के नाते ऐसे चीज़ें सुनकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ये सवाल, ये जो भी उन्होंने टिप्पणी की है, ये सिर्फ मेरी माँ पे नहीं की है, ये समस्त झारखंड की सभी महिलाओं और आदिवासी महिलाओं खास करके को ठेस पहुँचाया है। जब हमने सुना इरफान जी की तरफ से ये स्टेटमेंट, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लगा और दुख भी बहुत हुआ, क्योंकि पहले जब मेरी मम्मी जेएमएम में थी तब इरफान जी के बात करने के तरीके अलग थे। तो सीता सोरेन जी की तीनों बेटियों ने कमर कस ली है कि जामताड़ा में मेहनत करने का, हालांकि वो जामा की सीट भी चाहती थी, जो सीट उनकी मां की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जामा जो है किसी कारणवश नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, जामताड़ा का मौका अब ये चूकने को तैयार नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इरफान अंसारी के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो जेएमएम ने भी ऐसे बयान को लेकर इरफान अंसारी पर फटकार लगाई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं, खासकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने बचाव भी किया है। किसी भी प्रत्याशी के बारे में और खासकर महिला प्रत्याशी के बारे में इस तरह का बयान देना इरफान अंसारी जी को शोभा नहीं देता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना। देखिए, बोलने का तरीका गलत है, शब्द गलत है, इस तरह के शब्दों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। अमर्यादित बातें करने से बचना चाहिए तमाम लोगों को जो भी राजनीति में है, परंतु आप देखें भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इस तरह के बोल बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को चोर बोल दिया था, अरे क्या मजाक बना रखा है अपने। इरफान अंसारी ने जो भी बोला है उनको गलती मानते हुए इरफान जी ने कहा है कि इस तरह की कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी क्या अन्य दलों से ला करके लगभग 30 से 35 उम्मीदवार उन्होंने दूसरे दलों से आयात करके इस चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख करके इस तरह के उलूल जुलूल बयानबाजी पर लगे। इरफान अंसारी के बयान को लेकर बाबूलाल ने हमला बोला है, कहा कि जामताड़ा से इरफान अंसारी हार के कगार पे रहे और इसीलिए उनके अंदर से बौखलाहट आ रही है। साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार के कगार पर वो पहुंच चुके हैं।
और इसलिए उनके अंदर से यह बकलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। और चलिए अब आपको इरफान अंसारी का वो बयान सुनवा देते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए, इनको जो रिजेक्टेड माल है जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जन समर्थन, अपनी खुद की हार देखी, इसीलिए वो उनका दिमागी संतुलन जो है कि पूरे तरह से खो गया है और मेरे खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे, बयानबाजी देने लगे, अमर्यादित बयानबाजी दिए, एक महिला के लिए, एक मेरे जैसे महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किए, बोलने के लिए भी आपको तो शर्म लग रहा है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो झारखंड के सारे महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय भी प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। असम एमपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के सीएम भी प्रचार करेंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुंकार भरेंगे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी भी स्टार प्रचारक हैं। रामचंद्र चंद्रवंशी भी स्टार प्रचारक हैं। झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचार प्रसार को भी पुरजोर तरीके से शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है और इसी सिलसिले में 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। को हम पर विश्वास है और इसलिए उन्होंने हमको स्टार प्रचारक बनाया है और हम इस समाज से आते हैं। समाज का मैक्सिमम वोट हर एक कंस्टिट्यूंसी में है और मैं सहज स्वीकार करता हूँ और मैं जाऊँगा और सभी को प्रचार प्रसार के तहत सभी को मोबिलाइज करूँगा कि बीजेपी में। और झारखंड का झरिया विधानसभा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में। विधानसभा चुनाव में यहां देवरानी जेठानी की टक्कर ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। इस बार कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार रागिनी सिंह आमने सामने। विपक्ष के नेता हैं आप, वहां से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे। घर का बोलते हैं, मेरे लिए वो टिकट उस व्यक्ति को मिला है जिस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है, उसकी पत्नी को ये टिकट मिला है और मुझे लगता है ये बहुत विचारणीय विषय है, ये बहुत सोचनीय विषय है। और इसके लिए जो है, जो इस विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है और जो बात करते हैं साफ और भयमुक्त और पलाना राजनीति की, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। वहीं जामताड़ा में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते मतभेदों को खत्म करने के लिए पार्टी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जिम्मेदारियां सौंप दी है। उन्होंने जामताड़ा पहुंचकर पूर्व उम्मीदवार वीरेंद्र मंडल से 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की जिससे स्थिति सामान्य होती नजर आई। दुबे ने आश्वासन दिया कि पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, सरकार बनाएगी और जो भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस भी कार्यकर्ता ने योगदान दिया, जैसे जामताड़ा में लगातार पिछले 10-15 साल से वीरेंद्र जी जैसे आदमी लगे रहे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाटुल जी से भी बात करूं, अभी मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, शायद वो नाला में नहीं है। इन सबों को सरकार बनने के बाद सरकार कहीं ना कहीं सम्मानजनक जगह पर बैठाएगी।
वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची अंचल कार्यालय में एमसीएमसी सेल का गठन किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। मीडिया सेटिस्फैक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी में 24 घंटे 3 शिफ्ट में नजर रखी जा रही है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो एक तरफ की जा रही है, तो वहीं खास तौर से अगर बात की जाए तो मीडिया सेल के माध्यम से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम से भी तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पल पल की रखी जा रही है। खास तौर से जो टीवी मीडिया हो गए या फिर जो अखबार हो गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा जाए तो उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर प्रॉपर की जा रही है। प्रत्याशी हैं उनका हमें ये देखना है कि कौन से चैनल पे किनका कितने मिनट कितने सेकंड्स का प्रचार किया जा रहा है, किस पार्टी के वो हैं, और उस चीज़ को हमें रिपोर्ट बनाकर भेजनी है, तो वही मॉनिटरिंग हम लोग बैठ के यहाँ कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कितना हम लोग शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं, तो हम 6 से 2 के शिफ्ट में हैं लगभग 10 से 12 लोग, और फिर 2 से 10 वाले शिफ्ट में हैं 12 लोग, फिर रात का भी शिफ्ट है जिसमें मेल मेंबर्स मेल स्टाफ हैं। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से चुनाव पर जो पेड न्यूज़ है या फिर जो तमाम चीज़ें हैं कंटेंट वाइज भी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से की जा रही है। रांची के टाउन सीईओ ऑफिस में ये कंट्रोल रूम बना है जहाँ से ये सेल जो है वो पूरी तरह से निगरानी कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और गिरिडीह के धनवार विधानसभा की राजनीति हर रोज करवट बदल रही है। क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी निरंजन राय ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और अब धनवार से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। निरंजन ने कहा कि धनवार की जनता ने उन्हें मैदान में उतारा है और मेरे साथ सभी समाज सभी धर्म के लोगों का साथ है। पार्टी भले विभिन्न दलों का है, जनता विभिन्न दलों से नहीं है, जनता एक है। आज हमको जनता ही ने खड़ा किया है, हम खुद खड़ा नहीं हुए हैं और जनता खड़ा किया, जनता चुनाव लगा, हम क्या करेंगे। और अपने साथ बाउंसर लेकर चलना अब ये स्टेटस सिंबल बन गया है। बरही विधानसभा चुनाव में कई राजनेता अपने साथ नामांकन के दौरान बाउंसर लेकर पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये है कौन, नामांकन करने के दौरान बाउंसर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दरअसल चुनाव के दौरान स्टेटस बताना भी जरूरी होता है। जो नेता जितनी भीड़ के साथ पहुंचता है उसकी लोकप्रियता अधिक मानी जाती है, और इसी तरह जो राजनेता अपने साथ सुरक्षा कर्मी रखता है ये माना जाता है कि वो और भी ज्यादा खास है। स्थानीय भी कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को दिखाता है। कुछ लोग अपने आप में दिखावा दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, यही सब रीजन है और क्या है। हम लोग को देखने में तो अच्छा ही लगता है, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही लगता है। पहले क्या ऐसा होता था? पहले आज तक हम लोग कभी नहीं देखे, पहले हम भी नहीं देखते थे, अभी तो हम भी देखे, पहली बार देखे हैं कि नॉमिनेशन के समय बाउंसर अपने साथ घुमा रहे हैं। ये सुरक्षा के लिए रखा जाता है, कोई भी प्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ के लिए ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है, और ये अभी प्रचलन में है पूरे जिले में, देश में पूरे कह सकते हैं प्रचलन में है पूरे। और मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, चक्रवाती तूफान दाना कमजोर हो गया और आज से सामान्य होगा मौसम। 1-2 दिनों में मौसम पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल कोल्हान में सबसे ज्यादा बारिश हुई, तूफान और बारिश से रांची का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। और दाना का असर हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है, तेज हवा और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज कर दी गई है और अभी से ही लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग के हृदय स्थल के नाम से जाना जाने वाला झील परिसर की अगर बात की जाए तो यहां लोग सुबह शाम बड़ी संख्या में घूमने आते थे, लेकिन अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी कमी आ गई है। गर्म कपड़ा निकालें और उसको पहन कर मैंने बाहर निकलने का, बच्चा लोग भी कोशिश करें अपने भी कोशिश करें ताकि स्वास्थ्य सही संपन्न रहे। दाना के आने के बाद हजारीबाग में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है।
और दाना चक्रवाती तूफान के असर से चाईबासा जिले में पिछले दो दिनों की बारिश से क्षेत्र में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की बलिया लगे पौधे जमीन पर आकर गिर गए और खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की बालियां जमीन पर झड़ने की आशंका है। किसान इससे बहुत परेशान है। दाना चक्रवाती तूफान के असर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले दो दिनों की हुई बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। आप यहां देख रहे हैं धान की बालियां लगी हुई है खेतों में, धान की जो फसल है उसमें बालियां लगी हुई है, लेकिन क्षेत्र के कई खेत ऐसे हैं जो पिछले दो दिनों की हुई बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है। आप यहां देखिए, यहां धान की जो फसल है ये नीचे जमीन पर आ गई है और पानी भरा हुआ है। कई यहाँ खेत में आप देख रहे हैं, कई जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखिए बारिश हो चुकी है बड़ी जोर से, जार से फसल पूरा गिर चुकी है जमीन पर और पानी पर खेत में भरा हुआ है, इससे बड़ी होगी। अभी जैसे ये काटने की स्थिति में भी नहीं आया है? नहीं आया अभी तो। अभी आगे इस फसल का कैसा क्या ये होगा? देखिए अब तो बर्बाद हो ही चुका था धान तो। इससे जो धान की बालियां इसमें लगी हुई है पौधों में वे झड़ेंगे और किसानों को काफी नुकसान होगा, काफी कम उपज मिलेगा। और ये बेमौसम जो बारिश हुई इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।